वही पिछले एपिसोड में आपने देखा कि इनविजिबल मैन को एंड्रयू और हिप्पू पकड़ लेते हैं और उसे मारने के लिए एंड्रयू दिमित्री को बुलाता है। दिमित्री इनविजिबल मैन को मारने की नाकाम कोशिशें करता है पर वो नहीं मरता। अब बस एक ही रास्ता होता है। रशिया में एक साइंटिस्ट ने गन बनाई है जिससे सुपर हीरोज को मार सकते हैं, तो वो तैयारी करते हैं रशिया जाने की। अब आगे हुए एंड्रयू, मैं बता रहा हूँ, तूने गलती कर दी। इनविजिबल मैन को वहाँ रख के उसे साथ में ले जाना था। नहीं, रिस्क रहता उसे साथ में लाने में, क्योंकि वो मौका देख के हमें मार देता। तू उसकी चिंता मत कर मामू, मैंने उसे बहुत ड्रग्स दे दिया है, कम से कम 15 दिनों तक होश में नहीं आ पाएगा। उसकी चिंता छोड़ो, लैब से गन कैसे चुराएंगे वो सोचो। बाबू मोसाई, वो तो रशिया पहुंच के ही पता चलेगा कि करना क्या है। दोस्तों, आज की पार्टी मेरी तरफ से, क्योंकि आज मैंने नया रिकॉर्ड बना लिया। रे, मैं भी वही सोच रहा हूँ, तूने साले नया रिकॉर्ड कैसे बना लिया। तारी शक्तियाँ तो जारी थी मन्ने पता से। दोस्तों, आप लोग एंजॉय करो, मैं आलोक से बात करके आता हूँ। क्यों इतना सोच रहा है, पार्टी को एंजॉय करना। अबे सोचने वाली बात से, इसीलिए तो सोच रहा हूँ। सच बता दे, तूने क्या किया से। अरे मेरे भाई, ज्यादा मत सोच, मैंने कुछ नहीं किया है। चला जा, पैग लगाते हैं। मन्ने तो लाग रिया से तूने उसका इस्तेमाल किया से अपनी शक्तियों को वापस लाने के लिए। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तू गलत सोच रहा है। रे तू कुछ भी कह ले, सच्चाई कैसे मैं पता लगा के ही रहूँगो। सच्चाई तो ये है कि तू मेरे से जलता है, इसीलिए मेरे पे झूठे इल्जाम लगा रहा है। और साथियों, कैसा चल रहा है, सब ठीक ठाक तो है ना, कोई परेशानी तो नहीं है ना। नहीं मास्टर, कोई गड़बड़ नहीं है जी, एवरीथिंग गोइंग वेल। आइए आइए मास्टर, मैं आपको ही याद कर रहा था, आज कैसे आना हुआ, आप तो वरना सैटरडे को ही चाहते। आज मुझे अपने बेटे से मिलने का मन कर रहा था तो सड़ा आया। अच्छा हुआ मास्टर आप आ गए, मेरे को आपको एक बात बताना था। वो क्या है ना, 3 दिन पहले एक गड़बड़ हो गई थी, छोटे मालिक यहाँ से भाग गए थे। इतना सब कुछ हो गया और मैं जब यहाँ आया और मैंने इससे पूछा कि सब ठीक ठाक तो है ना, तो ये बोलता है कुछ गड़बड़ नहीं है, एवरी थिंग इज फाइन। अरे मैं डर गया था मास्टर आप गुस्सा करेंगे जी, और वैसे भी हम छोटे मालिक को ठीक ठाक ले आए इधर। तू गद्दार है, तूने मुझसे झूठ बोला, पेंथर गद्दारी की सजा क्या है। मास्टर गद्दारी की तो एक ही सजा है, मौत। सही कहा, गद्दारी की एक ही सजा है, मौत। मास्टर छोटे मालिक आ रहे हैं। अरे पापा आप आ गए मुझसे मिलने, क्या बात है, आप तो बहुत जल्दी आ गए। हाँ वो एक बहुत ही जरूरी काम से आया था इधर, तो सोचा तुम्हें मिलते जाऊँ। हाँ पापा, मुझे भी आपको बताना था कि 2-3 दिन पहले मैं मेले में गया था, आपने जितना अच्छा मेरा बताया था उतना था नहीं, बहुत बदमाश लोग थे उधर। हाँ बेटा, इसलिए तो मैं मना करता था, बाहर मत जाया करो, ये प्लेस तुम्हारे लिए सेफ है। तो पापा मैं कब जाऊंगा बाहर। जब मैं सारे गुंडे बदमाशों का सफाया कर दूंगा, फिर तुम आराम से घूमना शहर में। पापा मैं भी सफाया करना चाहता हूँ। नहीं छोटे मालिक, अभी आप बहुत छोटे हैं, अभी आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है। हाँ बेटा चिंता मत कर, मैं तुझे सिखाऊंगा कि गुंडे बदमाशों का सामना कैसे करते हैं। मालिक आप मजाक कर रहे हैं ना, ये तो अभी छोटे। मैं मजाक नहीं करता पेंथर, और अगर अगली बार मेरा बेटा यहाँ से भागा तो मैं तुम सबका मजाक बना दूंगा। नहीं नहीं मास्टर, अगली बार ऐसी गलती कभी नहीं होगी। गाइस क्या कर रहे हो यार, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लो। अरे बाबा, ये बर्फ की वजह से कार का इंजन जम जाता है, बहुत तकलीफ होती है यार इसको स्टार्ट करने में। अरे बाबा, इतना बड़ा प्लेन इधर काई को लैंड किया, कुछ तो लोचा है। बाबू मौसाई, हम पहुंच गए रशिया। अरे बाबा ये क्या, ये तो एंड्रयू अपनी मंडली लेके आया रे। अरे मेरे भाई बंटी, कैसा है तू, सब ठीक तो है ना।
अरे अब तक तो ठीक था, पर तेरे आने के बाद पता नहीं तू इधर काई को आया वो बता। अरे मेरे भाई हम बैठ के बात करते हैं ना, सब बताऊंगा यार। चल अब मेरे को सच सच बता, तू इधर काई को आया, सीधा पॉइंट पे आ, मेरे को कोई रफड़ा नहीं मांगता। अरे बंटी तू मेरे को देख के बौखला गया क्या, क्या बोल रहा है, मैं बताता हूँ ना। तेरी वजह से पिछली बार मेरे को जर्मनी वालों ने लात मार के फेंक दिया था साले, अब मेरे को बाहर नहीं जाना, रशिया में अपना मस्त धंधा चल रहे रे। देख बंटी बात ये है कि हम यहाँ पर एक खास मकसद से आए हैं, वो हथियार लेने। अरे इसमें यहाँ आने की क्या जरूरत थी, मैं भिजवा देता ना, क्या चाहिए था, AK-47 मशीन गन RPG बोलना क्या। अरे ये सब नहीं, देख बंटी मुझे वो स्पेशल वेपन चाहिए जो रशियन साइंटिस्ट ने बनाया है और अपनी लैब में रखा है। अच्छा मतलब तू इधर मरने को आया बाबा, ठीक है जा शौक से मर। हाँ तो चलना, हमें ले चलना उस लैब पे। देख एंड्रयू मैं तेरे साथ नहीं आएगा, तेरे को जाना है तो जा, मैं तेरे को कार देगा, एड्रेस देगा, सब देगा, मेरे को मौत के मुंह में जाने का कोई शौक नहीं, अपनी जान प्यारी है रे बाबा। हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ, वैसे भी वहाँ तेरे जैसे फट्टू का कोई काम नहीं है। अबे साले मैं डरपोक नहीं है, मैंने मगरमच्छ को काट लिया था एक बार, समझा। अरे वो जो भी हो फट्टू, चल अब हम चलते हैं और थैंक्स तेरी कार के लिए। अरे तुम वापस लौटो या ना लौटो, मेरे को अपनी कार भिजवा देना रे बाबा। वैसे इपू तुम्हें पता है अभी हमारे शहर में क्या चल रहा होगा? पता नहीं बाबू मोसाए, क्या चल रहा होगा? वो तूने रनमैन की और तेरी बातें रिकॉर्ड करी थी ना, जिसमें वो सच बोल गया था कि तेरे भाई को उसी ने मारा है, वो रिकॉर्डिंग मैंने लीक कर दी है। बाबू मोसाए क्या बात कर रहे हो, तब तो शहर में अफरा तफरी मच गई होगी। भाइयों हमें गोल्डन हिप हॉप को इंसाफ दिलवाना है, रनमैन को सजा मिलनी ही चाहिए। दोस्तों आज की बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के सामने आ रही है, जहां पर हमारे सुपर हीरो रनमैन का ऑडियो वायरल हुआ है। जी हां रनमैन, जिसमें वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उसने गोल्डन हिप हॉप को मार दिया, जिसकी वजह से शहर में हंगामा मच चुका है। बाटली गैंग शहर में निकल चुकी है गोल्डन हिप हॉप को जस्टिस दिलवाने के लिए, उन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी को हानि पहुंचाना शुरू कर दिया है, उनके साथ शहर के आम नागरिक भी जुड़ रहे हैं। फिर पुलिस वालों को आना पड़ा इस सिचुएशन को काबू करने के लिए, पर बाटली गैंग ने उन पर भी एक बाटली फेंक दी। दूसरी तरफ हमारे देश के युवाओं ने पेट्रोल पंप को बर्बाद कर दिया, उनकी मांग है कि गोल्डन हिप हॉप को जस्टिस मिलना चाहिए। और दूसरी तरफ हमारे शहर के सारे बुड्ढे बैठ चुके हैं आंदोलन के लिए, सड़कों पे उन्होंने डेरा जमा लिया है, जिसकी वजह से सारे रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं, भूखे नंगे सड़कों पर लेट चुके हैं। पर इस घटना पर सुपर टीम और रनमैन का बयान अभी तक नहीं आया है, जब तक नहीं आएगा तब तक शहर वाले खामोश नहीं बैठने वाले हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद ऐसी ही दहशत भरी और एंटरटेनिंग न्यूज देखने के लिए, फियरलेस मैन को सब्सक्राइब कर लो। क्या आपको भी बवासीर है, क्या आप भी मेरी तरह लाल हो गए हो, तो मैं लाया हूँ आपके लिए क्रीम। अरे मास्टर मुझे नहीं पता कि ये कैसे हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, साले तेरी हर गलती में माफ करता रहा और तू बवासीर पे बवासीर फैलाता रहा, पर इस बार मैं ये कट ही बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये हमारी रेप्यूटेशन का सवाल है। रे भाई मन्ने तो ये पहले से कमीना लगता था, अब के करे इसका। अरे मास्टर आप जो भी बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, मीडिया वालों को बुलाओ, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे और उसमें जवाब देंगे। ठीक से मास्टर मीडिया वालों को इन्फॉर्म कर देता सू। अरे एंड्रयू मेरे को तो यहाँ बहुत गड़बड़ लग रही है, चलना, ज्यादा देर तक यहाँ रहना ठीक नहीं है। नहीं जब तक मुझे यहाँ कुछ लीड नहीं मिलती तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। बाबू मोसाय देखो तो सही, यहाँ तो कितने सारे गार्ड है। ये तो कुछ भी नहीं, पॉप ये लैब भी उतनी ही बड़ी है और ये तो सिर्फ गेट के पहरेदार है, इस लैब के अंदर तो दुगने गार्ड्स होंगे। मामू देख उनके पास तो कैसे कैसे हथियार है, ऐसे तो हमारे पास भी नहीं है। मेरे सिपाहियों प्रेसिडेंट का ऑर्डर है, लैब के 10 किलोमीटर में भी कोई भी इंसान देखे तो उसको मार देना, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है इस लैब की सुरक्षा की, इस लैब के लिए हम मर भी सकते हैं या मार भी सकते हैं, गेट इट। वो जो सामने दिख रहा है वो इनका जनरल है, इंसान के भेष में हैवान है वो, बहुत किस्से सुने हैं उसके। हाँ मामू वो इंसानों को तो कीड़े मकोड़ों की तरह मार देता है, बोले तो इसे किसी को जवाब भी नहीं देना पड़ता है। हाँ पता है प्रेसिडेंट ने इसको खुली छूट दे रखी है। बाबू मोसाई वो देखो दो बंदे लैब की तरफ जा रहे हैं। रुको रुको, व्हाई आर यू एंटरिंग दिस एरिया इज रेस्ट्रिक्टेड। निहाओ निहाओ, वी आर टूरिस्ट, ब्यूटीफुल प्लेस फोटो।
कमांडर टू टूरिस्ट एंटर्ड हियर, व्हाट वी कैन डू? यो टूरिस्ट कैसे हो सब लोग, वेलकम बैक टू माय गेम प्ले वीडियो। इंग्लिश, आई लव इंग्लिश। कैन आई हैव वन फोटो? नाउ व्हाट वी डू कमांडर? सोल्डर, एज़ आई सेड, किल द टूरिस्ट एंड डंप देयर बॉडीज आउट ऑफ द लैब। कमांडर, आई लव टू किल द टूरिस्ट। नुबड़ी वाले टूरिस्ट तिमकांदी, देखा इनको कोई परवाह नहीं, सालों ने टूरिस्ट को मार दिया। बाबू मोसाई, टूरिस्ट का ये हाल किया, पर हम तो इसकी गन चुराने वाले हैं, हमारा क्या हाल करेंगे? मामू चलना यार, चलते हैं, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है। तेरे को बोला ना दिमित्री, लीड के बिना मैं कहीं नहीं जाने वाला। मीडिया वालों, आप सभी का धन्यवाद कि आप सभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। सर, आप क्या कहना चाहेंगे जो ऑडियो वायरल हुआ है रनमैन जी का उसके ऊपर? ये बहुत ही शर्मनाक बात थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और इसकी सजा रनमैन को मिलनी चाहिए क्योंकि उसने एक बेगुनाह की जान ली है, और इसकी सजा भी वही है, रनमैन को मार देना चाहिए। हाँ सही कहा जी, इसको तो मार देना चाहिए। जी बिल्कुल, आपकी बात मैं समझ सकता हूँ, पर आप ये मत भूलिए कि इसने कितनों की जान बचाई है। हिप हॉप की जान इतनी कीमती नहीं थी, पर इसकी है क्योंकि ये सुपर है। अगर ये जिंदा रहेगा तो आप लोग सुरक्षित रहोगे, समझ रहे हो मेरी बात? नहीं सर, पर ये तो हिप हॉप के साथ अन्याय हुआ है, देश जस्टिस मांगता है। जी हाँ रनमैन, इसलिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं रनमैन। अरे मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, ये जो भी हुआ मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। गोल्डन हिप हॉप का मुझे भी अफसोस है, माफ़ कर दीजिए मुझे। माफ़ी मांगने से क्या होगा जी, रनमैन को तो सजा मिलनी चाहिए। ठीक है मैं समझता हूँ, रनमैन की सबसे बड़ी सजा ये होगी कि हम उसे अपनी सुपर हीरो टीम से निकाल रहे हैं। अरे मास्टर प्लीज ऐसा मत कीजिए, मास्टर मैं बर्बाद हो जाऊंगा, प्लीज। नहीं मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि तेरी वजह से और बेगुनाहों की जान जाए। हाँ इसे निकाल ही देना चाहिए, ये बहुत अच्छा किया। और क्रिमिनल जी, इनविजिबल मैन कहाँ है? पिछले कुछ दिनों से वो देखा ही नहीं दे रहे, सब कुछ ठीक तो है ना जी? हाँ सब कुछ ठीक है, मैंने कहा था ना वो एक सीक्रेट मिशन पर है। आप चिंता मत करिए, इनविजिबल मैन जल्दी वापस लौट आएगा। अरे मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं क्या करूँगा? सारा ये इनविजिबल मैन कहाँ गायब हो गया है? आज तो मैं उसे किसी भी कीमत पर ढूंढ कर ही रहूँगा। अरे वो देखो, लैब के अंदर से कोई बाहर आ रहा है। अबे कमांडर ये सब क्या है, मैंने बोला है ना लैब के बाहर खचरा मत करो। चिंता मत करो साइंटिस्ट, हम इसे साफ करने ही वाले थे। ठीक है मेरे वापस आने तक इन्हें साफ कर देना। मिल गई हिप्पू, लीड मिल गई, जल्दी चलो। बाबू मोसाई क्या करने का सोच रहे हो? अरे वो जो लाल गाड़ी में गया वो इस लैब का साइंटिस्ट लगता है, उसे पकड़ेंगे। मुझे लगा ही था ये कोई ऐसी ही जगह पर होगा, और इसकी हालत भी ठीक नहीं लग रही, कुछ तो बुरा हुआ है इसके साथ।